अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों और YouTube चैनल के अज़ीज़ नाजरीन, आज आपकी खिदमत में लाइव आया हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक और दिलसोज ख़बर के साथ। दोस्तों आज की इस ख़बर में आपको एक अफसोसनाक बात बताने वाला हूँ जो कि फ़िलिस्तीन से रिलेटेड है। दोस्तों दर्जनों गैर कानूनी यहूदी आबाद कारों ने मस्जिद अक्सा में ऐसी हरकत की है और ऐसे नाज़ेबा अफ़आल अंजाम दिए हैं जिस अंजाम ने और जिस अफ़आल ने पूरी दुनिया इंसानियत को झिंझोर करके रख दिया है। यानी दोस्तों दर्जनों गैर कानूनी यहूदी आबाद कारों की मस्जिद अक्सा में तोड़ फोड़, मस्जिद अक्सा जैसी मस्जिद में और वह मुकद्दस मकाम जिसको सिर्फ मुसलमान ही मोतबर और मुकद्दस नहीं मानते बल्कि यहूदी और ईसाई भी मानते हैं। यहूदी और ईसाई मुकद्दस मानते तो हैं लेकिन गैर कानूनी यहूदी आबाद कारों की इस हरकत से क्या साबित होता है? दोस्तों यकीनन ये मुसलमानों के लिए बहुत ही दिलसोज ख़बर है। तो दोस्तों इस पूरी न्यूज़ को बयान करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर समाप्त कीजिएगा, साथ ही लाइक करके अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए जाइएगा। दोस्तों न्यूज़ की असल वजाहत यह है कि पीर की सुबह दर्जनों गैर कानूनी यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए, यानी कि एंट्री कर गए। यरूशलम इस्लामिक वक्फ़ बोर्ड के मुताबिक 70 यानी कि 60 से ज़्यादा गैर कानूनी यहूदी आबाद पुलिस की इमदाद यानी कि हेल्प से मस्जिद अक्सा में एंट्री कर गए यानी कि दाखिल हुए और यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दिए। बोर्ड के मुताबिक यहूदी आबादकार मस्जिद के बाबुल मगरिब दरवाज़े से ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुए। बोर्ड ने खदशा खौफ जाहिर किया कि मज़ीद यहूदी आबादकार भी मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को भी 106 यहूदी मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल हो गए थे और उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। ये यहूदी आबादकार पुलिस की हिफाजत में आए थे। इसराइल ने 2003 में यहूदी आबादकारों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त दी थी। फिलिस्तीन की मजहबी तनजीमों ने बारहा इसराइल को इस फेल, इस काम और इस किरदार से मना किया है कि वह यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा में दाखिला रोके, क्योंकि मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह है और इसकी बेहुरमती करना असल बात है कि मुसलमानों के जज्बात को झिंझोरना। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो कि यहूदी आबादकारों जो कि गैर कानूनी तौर से आबादकारी हैं इन्होंने ये फिर अंजाम दिया है जिससे पूरे दुनिया इंसानियत और आलम इस्लाम के दिल पर एक बहुत ही बड़ा सदमा पड़ा है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।